हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग में VN एप्लीकेशन से स्लो मोशन और फास्ट मोशन वीडियो एडिटिंग करना सिखाऊंगा और इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट डालना भी सिखाऊंगा। गाइज, यहाँ पे काफ़ी जो है वीडियो वायरल होती हैं इंस्टाग्राम रील्स पे और भी जो है यूट्यूब पे, तो ज़्यादातर जो वीडियो वायरल्स होती हैं वो यहाँ पे स्लो मोशन और फास्ट मोशन वीडियो ही वायरल्स होती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा कि आप लोग VN एप्लीकेशन का यूज़ करके आप लोग अपने वीडियो में स्लो मोशन और फास्ट मोशन कैसे डाल सकते हैं और इस ऐप का यूज़ करके आप लोग अपने वीडियो में ट्रांजिशन इफेक्ट, ग्लिच, ये वाले जो इफेक्ट हैं वो आप लोग कैसे डाल सकते हैं। गाइस, वीडियो जो है स्लो मोशन और फास्ट मोशन के मामले में ये जो VN एप्लीकेशन है वो काफ़ी बेस्ट और अमेजिंग है। इस एप्लीकेशन से आप लोग जो है बहुत ही स्मूथली स्लो मोशन और फास्ट मोशन डाल सकते हैं। अब गाइस, चलिए मैं आप लोग को फटाफट से बता देता हूँ कि VN एप्लीकेशन से आप लोग अपने वीडियो में स्लो मोशन और फास्ट मोशन कैसे डाल सकते हैं। तो गाइस, चलिए फिर वीडियो की स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है सोनू कुशवाहा और आप सभी लोगों का हमारे मिस्टर सोनू टेक्निकल चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, VN एप्लीकेशन से स्लो मोशन और फास्ट मोशन वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ पे VN एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना होगा। गाइज, यहाँ पे अगर आप लोगों को VN एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं मिल रही है तो मैं एप्लीकेशन की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप लोग इस एप्लीकेशन पे आ जाएंगे और यहाँ से आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। अब फटाफट से इस एप्लीकेशन को आप लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से लोड होता हुआ नज़र आएगा। शुरुआत में आप लोगों को कुछ परमिशन देने के लिए आएंगे, तो आप लोगों को जो है यहाँ पे इस एप्लीकेशन को परमिशन दे देनी होगी और यहाँ पे ऊपर स्किप मिलेगा, स्किप कर देना होगा। अब गाइस, यहाँ पे आप लोग को नीचे जो है प्लस का आइकन मिलता है, यहाँ पे आप लोग एक बार क्लिक कीजिए। न्यू प्रोजेक्ट पे आप लोग यहाँ क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप लोग की वीडियो है जो आ जाएंगी। अब गाइस, यहाँ पे आप लोग उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे जिस वीडियो में आप लोग स्लो मोशन और फास्ट मोशन और ट्रांजिशन इफेक्ट डालना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं ये वाली वीडियो को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आप लोग एरो पे जो है क्लिक कर दीजिए। अब ये वीडियो प्रोसेसिंग होगी, थोड़ा आप लोग यहाँ पे वेट कर लीजिए। सो ऑल आउट गाइस, यहाँ पे वीडियो हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब गाइस, इसमें वीडियो में आप लोगों में स्लो मोशन और फास्ट मोशन डाल के दिखाऊंगा। वीडियो का वॉल्यूम फिलहाल ऑफ करता हूँ और यहाँ पे वीडियो को प्ले करूँगा, तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो हमारी जो है नॉर्मल है। ठीक है, ये जो गर्ल्स है यहाँ पे जो भी कुछ एक्टिविटी यहाँ पे कर रही है वो एकदम जो है यहाँ पे नॉर्मल है। अब यहाँ पे मैं इस वीडियो में जो है दिखाऊंगा आप लोग को स्लो मोशन करके, तो ये देख सकते हैं ये गर्ल्स जो है डांस वगैरह कर रही है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को दिखाऊंगा। तो फिलहाल ये जो वॉटमार्क आता पीछे से इसको जो है डिलीट करेंगे, डिलीट वाले आइकन पर क्लिक करके। अब गाइस, इसमें आप लोग को स्लो मोशन और फास्ट मोशन डालना है तो इसके लिए आप लोग को यहाँ पे स्पीड मिलता है। जब स्पीड मिलता है यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग की ये जो स्पीड देखने के लिए मिल जाएंगी। अब गाइस, यहाँ पे आप लोग को ये जो मिलता है यहाँ पे रेगुलर, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आप लोगों को यहाँ पे यहाँ से ये ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप लोग स्लो मोशन और फास्ट मोशन रेगुलर टाइप से डाल सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे इसको जो है लेफ्ट साइड में लेके जा रहा हूँ इस पॉइंट को, तो यहाँ पे हमारी जो वीडियो स्लो होती जा रही है। ठीक है, इधर साइड में लेके जाऊंगा राइट साइड में, तो ये वीडियो हमारी फास्ट मोशन में कन्वर्ट होगी। यहाँ देख सकते हैं ये वीडियो हमारी फास्ट मोशन प्ले हो रही है। इधर क्लिक करूंगा तो जितने मैं इधर जो है राइट साइड में लेके जाऊंगा उतनी फास्ट हो जाएगी वीडियो। फिलहाल मैं 1x कर लेता हूँ और इसको राइट करेगा। अब ये कर्व तो आप लोग यहाँ पे मिलता है, यहाँ क्लिक कीजिए और प्रेजेंट पे आप लोग क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आप लोग को ये जो है ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो है ऑटोमेटिकली इसमें जो है स्लो मोशन देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप लोग स्लो मोशन यहाँ से डाल सकते हैं। अब ये मोनेटाइज है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक है यहाँ पे स्लो मोशन और फास्ट मोशन, तो यहाँ पे आप लोग को कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आप लोग क्लिक करेंगे तो इसमें हीरो टाइम में आप लोग क्लिक करेंगे तो ये जो है इस तरीके का जो है टाइमिंग होता है स्लो मोशन का, ये देख सकते हैं एकदम स्लो मोशन और एकदम फास्ट मोशन। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करूँगा तो ये है जंप कट, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे और जैसे ही कोई आप लोग स्विम करते हैं और जंप करते हैं तो इस तरीके के यहाँ पे जो है ये स्लो मोशन और फास्ट मोशन रहते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये जंप किया, ये एकदम से फास्ट है और ये देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग के आप लोग के यहाँ पे जो है स्लो मोशन और फास्ट मोशन मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं। तो जो भी आप लोग को यहाँ पे बेस्ट लगता है उसको सिलेक्ट कर लेना। यहाँ देख सकते हैं स्लो मोशन है और इसके बाद ये यहाँ से जो है फास्ट हो जाएगी। यहाँ देख सकते हैं ये जो है फास्ट होगी, यहाँ पे देख सकते हैं ये फास्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे इस तरीके से स्लो मोशन और फास्ट मोशन जो है ऑटो डाल सकते हैं। अब गाइस, मैनुअल आप लोग को डालना है स्लो मोशन और फास्ट मोशन, तो उसके लिए आप लोग स्पीड पे क्लिक करेंगे। अब ये जो है पॉइंट मिल रहे हैं इन सभी के सभी पॉइंट को आप लोग को यहाँ से हटाना होगा। लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे पॉइंट पे तो रिमूव का ऑप्शन आएगा, यहाँ क्लिक कर दीजिए। फिर से इसको जो है लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे रिमूव कर दीजिए, तो इसी तरीके से आप लॉन्ग प्रेस करके रिमूव कर दीजिए। अब गाइस, यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करूँगा, यहाँ से मैं एक बार वीडियो को प्ले करता हूँ।
यहाँ देख सकते हैं ये वीडियो है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लो मोशन। तो मैं यहाँ पे इस जगह पे जो लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा, यहाँ पे आएगा ऐड पॉइंट, ऐड पॉइंट पे क्लिक करूँगा। अब गाइस इसके जो पॉइंट को मैं यहाँ पे नीचे जो इसको खिसका के, ये जो पॉइंट आ रहा है इसको नीचे उठा के खिसका दूँगा, ठीक है। ये आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से। तो अब ये हमारा स्लो मोशन हो चुका है। अब ये जो यहाँ पे मैं आ रहा है तो यहाँ पे जो सिलेक्ट करूँगा और ऐड पॉइंट पे क्लिक करके मैं इसको ऊपर खिसका दूँगा, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे करूँगा और इसको ऊपर खिसका दूँगा, अब ये ऊपर खिसक गया है। अब यहाँ पे वीडियो को मैं यहाँ से शुरुआत से प्ले करता हूँ, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वीडियो स्लो हो चुकी है एकदम स्लो मोशन, और एकदम यहाँ पर ये जो है फास्ट हो जाएगी, देख सकते हैं ये फास्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ से, यहाँ पर तो यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा, ऐड पॉइंट करूँगा और इसको मैं यहाँ पे नीचे खिसका दूँगा, ठीक है। यहाँ पे स्लो हो जाएगा और यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखूँगा, इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ऊपर खिसका दूँगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे मैनुअल जो है स्लो मोशन और फास्ट मोशन यहाँ से डाल सकते हैं इस VN एप्लीकेशन का यूज़ करके अपनी वीडियो में। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग हमारा स्लो मोशन और फास्ट मोशन, वीडियो को प्ले करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये स्लो है, अब ये एकदम फास्ट होगी हमारी वीडियो, ये देख सकते हैं फास्ट, फिर से स्लो, ठीक है गाइस ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग अपना VN एप्लीकेशन का यूज़ करके स्लो मोशन और फास्ट मोशन डाल सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे आप लोग इसको जो है राइट करेंगे और राइट कर दीजिए यहाँ पर और राइट कीजिए, ठीक है। अब इसमें आप लोग को कोई इफेक्ट डालने हैं तो यहाँ पर FX मिलता है, यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिए और ये आप लोग को यहाँ पे FX देखने के लिए मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे। इसको जो है फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से रहेंगे, जूम इन, ठीक है, ये मिल जाता है। और यहाँ से आप लोग ड्यूरेशन यहाँ पे इसकी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे आप लोग वीडियो जो है रेडी हो जाती है तो ऊपर साइड में एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप लोग रेजुलेशन FPS वगैरह सेलेक्ट करके राइट कर दीजिए यहाँ पर, और ये वीडियो आप लोग की यहाँ पे 100% कंप्लीट होगी और ये वीडियो आप लोग की गैलरी में जाके सेव हो जाएगी, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से आप लोग VN एप्लीकेशन का यूज़ करके अपने वीडियो में स्लो मोशन और फास्ट मोशन डाल सकते हैं। गाइज अगर आप लोग को VN एप्लीकेशन का यूज़ करके स्लो मोशन और फास्ट मोशन डालने में कोई भी दिक्कत या परेशानी आ रही है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर से कर दूँगा। सो गाइज अभी फिलहाल के लिए बस, नहीं मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।